हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल जो है यूनिट एंड डायमेंशन लेसन से। तो देखो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस एच इज वी, इफ वी डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी एंड डिस्टेंस, प्रूव विद द डायमेंशनल एनालिसिस दैट वी इज इक्वल्स टू के अंडर रूट ऑफ जी एच, वेयर के इज कॉन्स्टेंट। तो यहां पे देखो डायमेंशनल एनालिसिस मेथड का यूज करके आपको प्रूव करना है कि ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है। ये जो न्यूमेरिकल है ये एप्लीकेशन का पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो अब ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है ये चेक कैसे करना है, इसके लिए हमको डायमेंशन का यूज करना होता है। अगर जो क्वांटिटी लेफ्ट साइड में है उसका डायमेंशन और जो क्वांटिटी राइट साइड में उसका डायमेंशन, अगर ये दोनों डायमेंशन सेम हो जाते हैं या फिर सेम आते हैं, देन ओनली दिस इक्वेशन इज करेक्ट, अदरवाइज दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटी और राइट साइड वाली क्वांटिटी इनका डायमेंशन फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं। देखो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, वी इज इक्वल्स टू के अंडर रूट ऑफ जी एच। नाउ व्हाट इज अंडर रूट, अंडर रूट को हम लोग रेस्ट टू पावर में भी लिख सकते हैं, जी एच पावर 1/2, और हम लोग क्या करते हैं यहां पे पावर सेपरेट कर देते हैं। नाउ के यहां पे हो जाएगा, इट इज जी ओनली, सो जी पावर 1/2 और एच पावर 1/2। तो ये हो गया एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड LHS, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन कितना होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन रहेगा L1 t-1, इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो अब अगर ये राइट साइड वाली जो क्वांटिटी है इसका भी डायमेंशन अगर सेम आ जाता है तो ये फॉर्मूला डायमेंशनल करेक्ट है। तो नाउ RHS इज इक्वल्स टू, हम लोग लिखेंगे डायमेंशन ऑफ के जी पावर 1/2 एच पावर 1/2। सो हियर इट इज डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन ऑफ जी पावर में लिखेंगे हम लोग 1/2 और डायमेंशन ऑफ एच पावर में लिखेंगे 1/2। ओके, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे के इज व्हाट, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डायमेंशन जो होता है नहीं होता, या फिर उसके सभी डायमेंशन जो है वो जीरो होते हैं, मतलब इसको मैं 1 लिख सकता हूं डायरेक्टली। जी क्या होगा, जी इज अ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है L1 t-2, रेस्ट टू पावर होगा 1/2। और h, h मतलब क्या, तो हाइट या फिर लेंथ, इसका डायमेंशन होगा L1 और रेस्ट टू पावर 1/2। ओके, तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे, पावर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, L पावर 1/2 टी पावर माइनस 1, क्योंकि 2 × 1/2 मतलब 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा L पावर 1/2। तो दोनों ब्रैकेट को अगर मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे मुझे मिलेगा L पावर हाफ प्लस हाफ, दैट इज 1, और ये टी माइनस 1। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहां पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। तो 1 and 2 को अगर चेक करते तो यहां पे दिख रहा है कि दोनों जो डायमेंशन है, मतलब इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटी और राइट साइड वाली क्वांटिटी, दोनों का डायमेंशन सेम है। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट है। मतलब यहां पर लिख सकते हैं कि गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, और अगर डायमेंशनली करेक्ट है, सॉरी इट इज करेक्ट, तो अब अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है वो राइट है, वैलिड है, मतलब v इज इक्वल्स टू k अंडर रूट ऑफ जी एच राइट, सो हेंस प्रूव, ये प्रूव हो गया कि ये इक्वेशन करेक्ट है।